और गेस करो, सेवन नो ट्वेंटी भी नो। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सारे फ्रेंड्स आप लोग अच्छे होंगे। और मैं भी लेके बैठी हूँ करेला। सुबह सुबह का टाइम है, सब्जी बनानी है, लंच और ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, लंच में मैं इसके लिए बना रही हूँ और इनको डिनर भी ले जाना है, तो यही वाली सब्जी लेके जाएंगे, इसी वजह से मैं इतना सारा करेला लेके बैठी हूँ अभी। मॉर्निंग एवरीवन, अभी बज रहे हैं 10 और मैं अभी सब्जी कट कर रही हूँ। करेला के सारे बीज मैं यहाँ पे निकाल ली हूँ, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद इसमें स्टफिंग के लिए मुझे मसाला तैयार करना है, तो उसके लिए प्याज लहसुन इस पतीले में रखी हूँ, इसको मुझे अभी कट करना है। अभी तो सिर्फ इसके छिलके निकालूंगी, उसके बाद वॉश करके फिर कट करूँगी। आप में पता नहीं कैसा लग गया ये, और स्पर्श दोनों लोग हैं अभी शॉप पे, क्योंकि स्पर्श का आज रिटर्न पेपर है, तो कल था, तो कल मैं निकलवा नहीं पाई थी, तो फिर वो ही गए हैं बाहर उसको उसका पेपर निकलवाने के लिए, और उसके बाद वो घर पे बनाएगा। वीडियो की एडिटिंग करिए, मेरी ना वीडियो लेट हो जाती है, बेसिक जब इनकी होती है, क्योंकि फिर खाना बनाना, खाना लंच ब्रेक सब कुछ रहता है, बहुत सारा काम रहता है, इसी वजह से मैं वीडियो ना लेट पब्लिक कर पाती हूँ। 3-3 बजे मेरी वीडियो जाती है, मैं कोशिश करती हूँ बट नहीं हो पाता। अभी भी आज भी मेरी वीडियो की एडिटिंग नहीं हो पाई है, कल भी मैं वीडियो 3 बजे डाली थी, ऐसे ही कुछ ना ऐसे ही हो जाता है। तो क्योंकि सबसे पहले तो वीडियो तो बाद में है, पहले तो खाना वाना बनाना है, खाना बनाना है, खाना ये सारी चीज़ें हैं। बीच बीच में वीडियो क्लिप मैं शूट करते रहती हूँ बट एडिट नहीं हो पाता, एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता है कि हम जो वीडियो डालते हैं ना ऐसे फटाक से बनाएं और डाल दिए, बहुत मेहनत लगती है ब्लॉग को डालने में। तो चलिए थोड़ी देर बाद से मिलती हूँ। लहसुन पहले लहसुन छील रही हूँ, उसके बाद प्याज। उसको छोड़ ना, इससे 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 क्लीन किया था, इससे ये दिखाती हूँ। करेला को हल्का सा स्टीम देके मैंने, मतलब स्टीम पे बॉईल ज़्यादा नहीं किया, बस 2 मिनट के लिए। इस तरीके से अगर पकाओ तो फिर जल्दी पक जाता है। एक साइड में मैं रख दी हूँ दाल, और यहाँ पे इसमें मैं बताती हूँ क्या है। मेथी जीरा का तड़का देती है, उसके बाद प्याज मैं अभी भून रही हूँ और नमक इसमें डाली हूँ, थोड़ा सा कसूरी मेथी डाली हूँ, बाकी इसमें मैंने कुछ अभी ऐड नहीं किया है। मसाला वगैरह अब ऐड करूँगी, थोड़ा सा ये भून के थोड़ा सॉफ्ट हो जाए ना, प्याज का कलर थोड़ा चेंज तो हो गया है, थोड़ा सा 1 मिनट और मैं भूनूंगी, उसके बाद मैं मसाला। जिसकी रेसिपी मैं कई बार आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं डिटेल में नहीं दिखा रही कई बार सब लोग तो देखते हैं। ये जो मसाला आपको मैं बता देती हूँ क्या चीज़ का मैंने तैयार किया है, तो एक मिनट इसको मैं इधर रख दूँ। इसमें है थोड़ा सा सरसों, जिसको राई भी आप बोलते हैं वो है, धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है, लहसुन है, हरी मिर्च है, ये इसका पेस्ट मैंने बनाया। इसमें बस मुझे क्या ऐड करना है, हल्दी पाउडर ऐड करना है, थोड़ा सा नमक उसमें मैंने डाल दिया। तो इस तरीके से कलौंजी हम लोग बनाते हैं, सब लोग का स्टाइल अलग अलग होता है, बट मेरी मम्मी, मतलब मेरी मम्मी ने ऐसे ही बनाती है, मेरी सासू मम्मी भी ऐसे ही बनाती हैं, सो मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। देखिए प्याज अभी सॉफ्ट हो चुका है, इसको अभी मुझे मसाले के साथ भी भूनना है, तो इसीलिए मैं इसमें अब इसमें ऐड कर दे रही हूँ मसाला, क्योंकि इसके साथ भी भूनते भूनते ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, और इसको मतलब पूरा ना इसको रेड होने तक भून लेना है हमें पूरा, मतलब इसको कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे भूनने में। उसके बाद स्टफिंग करूँगी मैं करेले में की, तब तक मैं क्या करती हूँ इस करेले को मैं निकाल लेती हूँ थाली में, इस थाली में निकाल लेती हूँ चिमटे की हेल्प से।
क्योंकि अगर इसमें पानी होगा ना, ये एक्चुअली पहले से ही टूटा हुआ था, ये पानी अगर एक्स्ट्रा होगा, वैसे तो पानी मैंने बहुत ही कम डाला था, क्योंकि एक मिनट के बॉईल करने में कितना पानी लगेगा। इसको मैं निकाल ले रही हूँ सारा। और अभी मसाला भुन चुका था तो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, ये ठंडा भी हो गया। अब मैं इसकी स्टफिंग कर ले रही हूँ एक एक करके, उसके बाद मैं इसको फ्राई कर लूँगी। ये देखिए इस फर्श का फेस, हाँ ये दिखा दो, तो इधर फेस दिखा दो, इधर फेस दिखा दो ईश्वर, इधर फेस दिखा दो, इधर दिखाना फेस अपना, फेस इधर दिखाना ईश्वर। फ्लावर आया है ये, और ये वाला हमारा फ्लावर पता नहीं क्यों सूख रहा है। ये देख रहे ना, बहुत अच्छा था ये तो, मतलब सूख रहा है, इसके नीचे से ही ये सूखने लगा है, कीड़े लग गए हैं कि पता नहीं क्या हुआ है, पता नहीं क्या हुआ इसका। वैसे बीज मैंने निकाला है, लेकिन ये पौधा में हमारा सूख रहा। धूप अभी है नहीं, बिल्कुल भी धूप नहीं है, हो सकता है कि बारिश भी आ सकती है। चलो अंदर चलो, स्लीपर पहने नहीं हो, अंदर चलो रेस्ट करने चलते हैं। क्या है, लंच करने के बाद वोल्टेज इतना ज़्यादा डाउन हो गया ना कि फ़ैन हिल रहा है, पता नहीं क्या हो गया वोल्टेज को, ऐसे कभी हुआ नहीं। अचानक से लाइट भी बंद हो गई, तो उसके बाद फ़ैन भी एकदम लो पे चल रहा है, बस ऐसा लग रहा है कि हिल रहा है फ़ैन। तो अभी हो गया है शाम का टाइम, तो मैं आ गई हूँ अभी फेस वॉश करने के लिए, उसके बाद मैं अपने फेस एंड हैंड को थोड़ा सा ड्राई कर ले रही हूँ टॉवल की हेल्प से, और मेरी स्किन ना थोड़ी थोड़ी ड्राई फील हो रही थी मुझे, तो अभी मैं इस टाइम पे यूज़ करने जा रही हूँ न्यूड का कैरोट सीड हाइड्रेटिंग लोशन। इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये अट्रैक्टिव है, और ये स्किन और बॉडी दोनों के लिए है, और स्किन को डेली मॉइस्चराइजिंग की नीड होती है। अगर आपकी स्किन थोड़ी सी भी आपको ड्राई फील होती है ना, मतलब आपकी स्किन को हाइड्रेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं ये वाला यूज़ करने जा रही हूँ न्यूड का। इसकी वजह होती है पॉल्यूशन भी, कई बार हो सकती है पॉल्यूशन की वजह से, या फिर सन की हार्मफुल रेज की वजह से भी हो सकती है, और ये आपकी स्किन को हेल्दी बनाने में हेल्प करता है, सॉफ्ट बनाने में भी हेल्प करता है। और न्यूड का कैरोट सीड हाइड्रेटिंग लोशन जो है ना, ये हार्मफुल केमिकल से फ्री है ये, और ये ऑल स्किन टाइप वालों को ये शूट करेगा। तो मैं यहाँ पे अपने हैंड में लोशन ये लगाने के बाद मैं अपने फेस और नेक एरिया में भी थोड़ा सा लगा ले रही हूँ। और ये लोशन मेन एंड वुमेन दोनों यूज़ कर सकते हैं, और ये हमारी स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। यहाँ पे मेरी जो स्किन है काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है, और मुझे बिल्कुल भी स्टिकी फील नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में। तो इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं इस तरीके से, और ऐसे ही मुझे रिसीव हुआ था। इसकी मैं प्राइस की बात करूँ तो 650 रुपीज़ इसकी प्राइस है। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना, थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको मिल सकता है। 2 ईयर्स की इसकी सेल्फ लाइफ दी हुई है, और 300 ml इसकी टोटल क्वांटिटी है। तो ये बिल्कुल सेफ है आपके स्किन के लिए, टॉक्सिन फ्री है, SLS फ्री है, पैराबिन फ्री है, PEG फ्री है, और कोई भी आर्टिफिशियल इसमें कलर नहीं है। सो बिल्कुल आपकी स्किन के लिए सेफ है। इसके की इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूँ तो इसमें है कैरोट सीड ऑयल, लेमन एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, सिया बटर, कोकोनट जेली है, ग्लिसरीन है, प्यूरीफाइड वाटर है। सो जितनी भी चीज़ें इसमें दी हुई है ना, वो आपकी स्किन के लिए बिल्कुल सेफ है। और इसके साथ हमें इसी डब्बे में मिल जाता है एक बहुत ही प्यारा सा बैग। अगर आप ट्रैवल वगैरह करते हैं तो आप इसमें इसको रख सकते हैं, या फिर और भी चीज़ें अगर आपको जो ज़रूरत की चीज़ें होती है ना, इस बैग में रख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक जिप दिया हुआ है, सो आपका सामान भी बिल्कुल सेफ रहेगा। तो फ्रेंड्स चलिए ब्लॉग की तरफ चलते हैं। उसके बाद मैं पीछे इधर आंगन में आ गई हूँ, जो गैलरी है ना इधर, जहाँ पे मशीन रखा हुआ है, तो मुझे कूलर में पानी भरना था। और एक्चुअली पता है मुझे बकेट से पानी भरने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं होता है, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ता है, क्योंकि ये जो पाइप था ना, ये बोल रहा था कि नहीं लग रहा है, फिर मैं अभी अभी ट्राई करी सही में इसमें टैप में नहीं लग रहा है, तो इसके लिए एक होल्डर लेके आना पड़ेगा। बट ये कूलर में पानी भरना ना मेरे को बहुत ही टफ काम लगता है, बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, बट वहीं करना ही पड़ता है। और इसी साइड में हमारा इन्वर्टर वगैरह भी रखा हुआ है, ये आप देख रहे हो, और उसके बगल में कूलर, बेडरूम से ये
वाला अटैच है, ये वाला डोर। कब मैं अभी तक होम टूर आप लोगों को नहीं दे पाई हूँ, मैं ज़रूर दूंगी थोड़ा सा टाइम बाद। और अभी मैं कूलर में पानी भरने के बाद मुझे अभी चलाना है मशीन भी, और स्पर्श को मैं अंदर छोड़ के आई थी, मैं बोली कि चलो, लेकिन वो ना अभी अपनी पढ़ाई कर रहा था तो मैं उसको छोड़ दी अंदर ही। उसके बाद मैं बकेट को रखने के बाद, ये शाम का टाइम है और हम लोग घूमने के लिए अभी बाहर निकले थे, मतलब बाहर बरामदे में। स्पर्श ये मेरी वीडियो बना रहा था, बड़ा अच्छा बनाया। अभी छत पर आ चुके हम लोग। गेस करो क्या, सिक्स नहीं, गलत गलत गलत। और गेस करो, सेवन नो, ट्वेंटी भी नो, 23 नो। सारा बोल दोगे जो है वो नहीं बोल पाए, बोलो। सितंबर 30 नो 30 सितंबर नहीं, नो नो टेन नो आठ बोलो, सब बोल दिया, बट जो बोलना है ना वो नहीं बोला श्रियांश ने। ट्वेल्व नो, थर्टीन नो, फोर्टीन नो। अब कितना तुमने कुछ मिस कर दिया बीच में से, श्रियांश का बर्थडे मैं बता रही हूँ, 19 जून को था, 21 मैं भी गेस कर रही हूँ, और क्या बताऊँ मैं, 14 जून, यस नो। अब कौन सा बोलूँ, कुछ बोलो, चलो वन से वन, फर्स्ट जून ये नहीं बोल, सेकंड जून, थर्ड, नाइन्थ जून, 25th जून, 25 जून, फ्रेंड्स का बर्थडे मुझे नहीं याद है, ये मेरे को बोल रहा है गेस करने के लिए, 22 जून ये, 20 हाँ, मुझे रेस लगाओगे? नहीं मुझे रेस नहीं लगाना, मैं गिर जाती हूँ। बस बना रही हूँ ना रोटी, थोड़ा टाइम लगेगा, मिल्क गरम कर रही हूँ, थोड़ा सा कल वाला मिल्क था और ये वाला अभी का है, ये थोड़ा सा था, ये पूरा गाढ़ा हो गया है, तो मैं इसका आइसक्रीम बना लूँ क्या, क्योंकि अभी थोड़ी सी गर्मी है, बारिश होने लगेगी ना, रुके नहीं बना पाऊंगी, बना ही देती हूँ इस टाइम आइसक्रीम, मेरे को उस दिन बोली थी तो मैं बना नहीं पाई थी, स्पॉश आइसक्रीम बना दे रही हूँ, ठीक है, इस वाले मिल्क में, वैसे भी गाढ़ा हो गया, थोड़ा सा और मिल्क में डाल दे रही हूँ इसमें, कि मलाई डाल दे रही हूँ और खौला दे रही हूँ मेरे का, ये वाला मिल्क जो है ना मैं इसमें ट्रांसफर कर दे रही हूँ, बाबू मेरी वीडियो अभी शूट कर रहा है, जैसे भी कर रहा होगा कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा वो उसको इंटरेस्ट आता है, तो मैं सोचती हूँ कि चलो जो चीज में इसका मन लगे में। ना पैक करके रखी थी कुल्फी पाउडर को, आज मैं पूरा का बना देती हूँ, थोड़ा सा मैं इसको खोलने दे रही हूँ, फिर मैं इसको ठंडा होके उसमें हम बना तो लेते हैं, इसको धोना बहुत टफ होता है इस वाले मोल्ड को, क्योंकि इसके अंदर ना मैं विनेगर डाल के, गर्म पानी डाल के तब मैं इसको वॉश करी, मेरी तो थोड़ी थोड़ी स्मेल आ रही थी और पूरा अंदर तक ब्रश भी नहीं जा पाता है, सो ना तब मैं इसको गर्म पानी में डाली, मतलब इस तरीके से इसको वॉश करना पड़ता है, मुश्किल होता है वॉश करना। चलिए चलो बटर रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद हम लोग खाने में, खाना पापा आएंगे ना तब तक अगर जम जाएगा 1-2 घंटे में, तो अब खा लेना, लेकिन इतनी जल्दी नहीं जमने वाला पूरा। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी हो चुका है, अब मैं इसको ना ट्रांसफर कर दे रही हूँ इस आइसक्रीम वाले मोल्ड में। देखिए बस 4 में ही आया है, 4 में बना देती हूँ, काफी हम लोग तो खा लेंगे, उसके बाद इसका जो ऊपर का स्टिक है ये मैं सेट कर देती हूँ, स्टिक प्लस आप इसको कैप भी बोल सकते हो,
स्क्वॉश काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, अगर जम जाएगा तो रात में ही हम खा लेंगे एक दो घंटे में, अगर अच्छे से जम जाएगा। उसको रख देती हूँ अब फ्रिज में। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अभी हो चुकी है रात। ये ब्लॉग आप लोग को मिल जाएगा कल दोपहर में। बाय बाय।